नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में बना मायावती योग अब पहले जैसी आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। जी हाँ तुला राशि वालों, अब आपका पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, क्योंकि तुला राशि वालों अब आपकी कुंडली में मायावती शक्तियां तांडव करेगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें अब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। जी हाँ तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में नागतंत्र योग का निर्माण होने जा रहा है। और दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह योग पूरे 151 साल बाद आपकी कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रही है। जी हाँ तुला राशि वालों, यह योग की छाया जब जब किसी के कुंडली पर पड़ता है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति के दुश्मन पर दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों इस योग में इतनी शक्ति है जो कि दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख देने वाली है। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों जो लोग आपके तरक्की के रास्ते में कांटे खड़े करते थे, जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते थे, उन लोगों को अब यह योग खून के आंसू रुलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें अब आप वही करेंगे जो ईश्वर ने आपकी कुंडली में लिख दिए हैं। अब आपको जीवन में आगे बढ़ने से और उन ऊंचाइयों को छूने से दुनिया की किसी भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकते हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा चमत्कार कर दिखाओगे जो खुद आपको भी यकीन नहीं होगा। दोस्तों इस योग की शक्ति आपके कुंडली पर पड़ने से आपके हाथ पैर अपने आप ही घोड़े के तेज से रफ्तार दौड़ने लगेगी। जी हाँ तुला राशि वालों, आज की यह वीडियो बहुत खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपका दायित्व तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसे विशेष बातें बताए हैं जिन्हें जानना तुला राशि वालों आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो चलिए तुला राशि वालों, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जय सूर्य महाराज जरूर लिखें, ताकि तुला राशि वालों आपके शुभ काम में कोई विघ्न बाधा ना आए और आपका कार्य निर्विघ्न पूरा होता रहे। तो चलिए तुला राशि वालों, जानते हैं अगले 24 घंटे में यह मायावती शक्तियां आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं। नमस्कार तुला राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके रिश्तेदारों की ओर से, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल पक्ष की ओर से ऐसा सरप्राइज आपको मिलने वाला है, सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि इस खुशी के माहौल में आपकी वाणी से किसी का दिल न दुखे, क्योंकि कुछ नकारात्मक शक्तियां भी आपके पीछे पड़े हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई भी बात बोलने से पहले एक बार सोच लेना है कि ये बात कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। जो लोग रोजी रोजगार के क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, अगर वे उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं या नए रोजगार की तलाश में हैं, तो यह समय उनकी बात बन सकती है और आर्थिक स्थिति पहले से काफी ज्यादा सुधार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों आज आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। आज आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी से हो सकता है, जिनको आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, जिनका सपना देख रहे थे, उनसे आज आपकी मुलाकात हो सकती है। प्रेम पाने की संभावना आज प्रबल है, हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको धैर्य रखना है, जो चीजें आप तलाश कर रहे थे वो चीजें आज आपके सामने आने वाली है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है। कुल मिलाकर समय आज का दिन आपके लिए घटनाओं से भरा रहेगा और यह घटना आपके लिए काफी हद तक शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा।
इसके उपरांत आज आप बहुत अच्छी सेहत का आनंद उठाएंगी। आपको अन्य परिजनों के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपका सेहत बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरों का सेहत थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है, लेकिन ऐसे में आपको जो है एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको उसमें किसी को भी कोई छोटी मोटी तकलीफ होने पर देखभाल करनी पड़ सकती है, ऐसे में आपको जो है शांति मन से एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको यह भी समझना है कि आपकी शारीरिक सेहत काफ़ी हद तक आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर है। अरोमा थेरेपी या राहतकारी मसाज से भी आपको अच्छा सा लगेगा और काफ़ी महसूस होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, कुछ समय से आपके व्यय बढ़ रहे थे, पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे और आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके खर्चे भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहेंगे और माहौल बदलता हुआ नजर आएंगे, जिसमें आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना होगा। देखिए दोस्तों, आपका जितना ज़्यादा आमदनी बढ़ेगा उसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कुछ बचत आपको भविष्य के लिए करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में आपके लिए ही परेशानी बढ़ेगा। इसलिए अपने कुछ धन को बचा कर रखें ताकि आने वाले समय में आप उनका काम ले सकें, उपयोग कर सकें। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, जल्दबाजी में लिया हुआ कदम आपको पीछे की ओर धकेल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपके धन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। इसी पर तो आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। ये बात आप हमेशा से जानते हैं और मैंने कई बार पहले आपको बताया भी है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। जल्दबाजी लिया गया फैसला हमेशा ही गलत ही होता है, उसका परिणाम गलत ही होता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आप अपने कैरियर में जो भी कुछ बदलाव चाहते थे वो सब कुछ आज आपके रास्ते में आएगा और आप उसे अपनी आंखों से देखोगे। चाहे वह प्रसिद्धि, ताकत, पैसा या पद हो, आप सब कुछ पाने के लिए आदर्श स्थिति में हैं। बस कड़ी मेहनत करते रहें और अन्य लोगों की राय का सम्मान भी करते रहें, और जो भी अपने साथी शिक्षास्त्री के बलबूते किया है वो सब कुछ आपका होगा। ये समय अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का समय है। जो आप मेहनत किए हैं उनका जो है फल प्राप्त करने का समय है। इसके उपरांत आज आप जिद्दीपन के प्रति अपना स्वाभाविक सुझाव महसूस करेंगे, लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है तो आप पछतावा भी महसूस करेंगे। अच्छे से स्थिति को समझें, आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बहने के स्थान पर स्पष्ट सोच रखें और स्पष्ट सोच से काम लें। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो समाधान आपको जल्दी निकलेगा और आपको जल्द ही खुशी मिलेगी। कोई भी चीज में आपको जिद्दीपन नहीं दिखाना है, नहीं तो आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, ग्रह गोचर अभी आपके पक्ष में है, आप जितना हो सके इनका आनंद लें, जितना हो सके इनका लाभ उठाएं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से